विदिशा जिले के चाचौड़ा में विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीनागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में कहीं पानी भरा है तो कई बिल्डिंगों से पानी टपक रहा है। लक्ष्मण सिंह ने कुपोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। विधायक ने नगर परिषद CMO को पानी की समस्या को हल करने का निर्देश दिए। वहीं बीनागंज अस्पताल में नवीन भवन बनवाने की बात कही। डॉक्टरों की कमी को लेकर विधायक ने कहा कि इस मामले में मैं खुद पहल करूंगा। जब चाचौड़ा विधायक से हमारे संवाददाता ने पूछा कि सिंधिया जी और अमित शाह की मुलाकात को आप किस प्रकार देखते हैं, तो विधायक लक्ष्मण सिंह क्या बोले, आप खुद सुनिए। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। ड्रेनेज की समस्या है, नगर पालिका के हमारे CMO हैं, उनसे कहा है और रोगी कल्याण समिति से राशि दिलाकर उसकी ड्रेनेज की समस्या को हल करेंगे। सर, यहाँ की आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। डॉक्टर्स की नियुक्ति का अधिकार कलेक्टर को दिया हुआ है शासन ने। अभी जिले की तरफ से कोई बहुत पहल इस बारे में नहीं हुई है, तो मैं स्वयं पहल कर रहा हूँ। डॉक्टर्स को मैं आमंत्रित करके और यहाँ उनकी नियुक्ति करा के उनको यहाँ पूरा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब जो हैं बेचारे 24 घंटे काम कर रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, तो ये संभव नहीं है उनके लिए, इसलिए यहाँ स्टाफ की कमी जल्दी पूरा करेंगे। थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न सर, सिंधिया जी अमित शाह जी की अभी 3 दिन पहले ही मुलाकात हुई है, लगभग 1 घंटे उनकी चर्चा चली है, ऐसे मीडिया में आ रहे हैं, तो उसके बारे में। सिंधिया जी कहीं नहीं जाने वाले, हम भी गए थे, लौट के वापस आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के